हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पहला चैप्टर खत्म कर लिया है। ठीक है, अगर पहले चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट हो तो वो अपने डाउट क्या कर सकता है भाई, कमेंट कर सकता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ कर दीजिए, डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। जल्द ही आपको चैप्टर वन के नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, इन द पीडीएफ में। ठीक है, आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, और अब जैसा कि भाई सुबह की क्लास है तो सबको गुड मॉर्निंग है। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग है, और जितने लोग जुड़ जाएंगे बाद में भी सबको गुड मॉर्निंग है। ठीक है, आइए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। दूसरा चैप्टर है एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। क्या है? एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। देखिए, ये पूरा जो लिखा है इसमें आप यहाँ करते हैं ना एंटरप्रेन्योर, यहाँ तक। ठीक है, RENUR यहाँ तक। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जब कर देंगे तो उसका मतलब होता है व्यवसायी। क्या होता है? व्यवसायी। तो हमको पूरा वही प्रोसेस देखना है कि व्यवसायी है तो क्या प्रोसेस है, कैसे काम करता है और क्या होता है। ठीक है, आइए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज। ठीक है, जो भी बिजनेस इंटरप्राइज है आपका, उसका प्रमोशन किया जाता है। लोग उसका क्या करते हैं, लोग उसका प्रमोशन करते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस को, नया बिजनेस है, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लैम लाइट में लाने के लिए लोग ज़्यादा जाने, कुछ ऑफर लाते हैं। ठीक है, या ये छोटी मोटी दुकानों की बात बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऑफर लाते हैं, कुछ लोगों को बताते हैं कि जैसे भाई ये मेरा बिजनेस है, आप इसके बारे में लोगों को बताइए, या आपको इससे मिलते जुलते क्लाइंट मिले तब उन्हें मेरे पास लाइए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रमोशन होता है। ठीक है, कुछ क्या होता है, कुछ प्रमोशन ऐसे भी होते हैं जो आपको एक व्यक्ति रखना पड़ता है जिसको हम प्रमोटर कहते हैं, वो इसी चैप्टर में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रमोटर कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है। ठीक है, जैसे नाम से आप लोग समझ ही गए होंगे भाई, प्रमोटर मतलब बिजनेस को प्रमोट करने वाला, वो व्यक्ति वही डेडिकेटेड काम करता है, उसका वही वर्क ही होता है, उसके बदले में उसे सैलरी मिलती है। ठीक है, आइए यहाँ पे जो लिखा है इसको समझते हैं। ठीक है, आइए, द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज बिगिंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया इन द माइंड ऑफ ओनर। ओनर सबसे जरूरी पर्सन कौन है यहाँ पे भाई, सबसे जरूरी पर्सन है ओनर। ओनर क्यों? जो भी बिजनेस शुरू करना चाहता है, जो भी व्यक्ति, ठीक है, हम अपने कुछ फेवरेट कलाकार कैरेक्टर लेते हैं, ABCD भाई हमारे फेवरेट हैं, तो हम उन्हीं पे सब एग्जांपल बेस करते हैं। ठीक है, ए हैं, इन्हें कोई बिजनेस करना है। ठीक है, ए को कोई बिजनेस करना है, तो अब वो बिजनेस क्या होगा, पहले एक मिनट देखिए, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। व्हाट मतलब क्या, व्हाई मतलब क्यों, ठीक है, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, ये 5 चीज आप पहले अपने दिमाग में रखते हैं। पहले क्या, कौन सा बिजनेस करना है भाई, क्या मतलब, जैसे कोई पूछेगा ना, आप किसी से कहते हैं कि हमें बिजनेस करना है घर में, अगर मान लीजिए कहते हैं तो पूछते हैं क्या भाई, कौन सा बिजनेस करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, बिजनेस ही क्यों करना चाहते हो। ठीक है, तीसरी चीज, कब से करोगे, चौथी चीज, कैसे करोगे, और 5वां, कहाँ करोगे। ये आपका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है भाई, बिजनेस करना चाहते हैं, चलिए घर वाले समर्थन हो गया, ये पूछेंगे नहीं, ये नहीं पूछेंगे, पर ये तो पूछेंगे कब से करना चाहते हो, कैसे करोगे और कहाँ करोगे। एक चीज और होता है, कौन सा बिजनेस करोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में आती है, किसके, ओनर के दिमाग में। तो ये सब आएगा दिमाग में, इसका जब आंसर आप कर लेंगे, ठीक है, तो वही क्या होता है, वही आपके बिजनेस में आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट का।
ठीक है, हमने आंसर दिया भाई व्हाट, व्हाट का हमने दे दिया भाई, हमने कहा मेडिसिन का बिजनेस करेंगे, ठीक है। कोई पूछेगा व्हाई, मेडिसिन का ही क्यों, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा सोशल वर्क भी करना है और प्रॉफिट भी चाहिए, और इसमें क्या है भाई हमारा भी है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि सोशल वर्क हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाइसेंस हो गया, और पूंजी की कम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप इसको ये नहीं समझेंगे कि पूंजी लगेगी नहीं, मतलब लेस कैपिटल है, ठीक है। आइए, ये हो गया हाउ। आप कहेंगे भाई हम पहले ट्रेनिंग ले लेंगे, ठीक है। वेयर, तो आप कोई पर्टिकुलर मार्केट उनको बता देंगे कि मार्केट में करेंगे, या आपका घर ही मार्केट में है तो कहेंगे भाई घर में ही दुकान खोल लेंगे, ठीक है। व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, और एक और क्या था भाई, व्हेन। आप कह देंगे कि, कह देंगे 10 दिन बाद से। भाई इंडिया है और इंडिया में त्यौहार के बहुत मायने होते हैं, क्या कह देंगे, मंगलवार से करेंगे, नवरात्र में करेंगे, हाँ। तो ये क्या है, ये हमसे पूछा जाएगा कब से करोगे, तो हम क्या कहेंगे भाई नवरात्र, तो आज से नवरात्र मान लीजिए 10 दिन है, 20 दिन है, तो ये 10-20 दिन में हमको ये सब चीज़ ढूंढनी पड़ेगी ना, मार्केट में दुकान, घर में दुकान बनवानी पड़ेगी, कहीं से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सोशल वर्क ये लाइसेंस है तो ये तो रहेगा ही, पर इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी पूंजी की, ठीक है। और इसके लिए और भी काम जो करने होंगे वो सब करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही क्या होता है, यही आपका आइडिया होता है जो ओनर के माइंड में आता है, और इसको जब वो बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है, इसमें बिजनेस में, तो उसी ओनर को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, व्यवसायी कहते हैं, ठीक है। आइए, अब देखिए प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन का ये मतलब होता है ना कि बिजनेस आइडिया को, ठीक है, बिजनेस आइडिया को, अब देखिए कुछ लोग अकाउंट पढ़े होंगे, अकाउंट नहीं पढ़े होंगे, तो जब यहाँ अकाउंट की क्लास चलेगी तो उसमें आपको कुछ शब्द समझ में आएंगे, सुनाई देंगे, एसेट, ठीक है, प्रॉफिट, स्टॉक, ठीक है, ये सब होगा। तो अब बिजनेस क्या होता है, देखिए सॉरी प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है, जब आप अपने आइडिया को कन्वर्ट करते हैं ना इनटू इनटू बिजनेस प्रोसेस, जब आप आइडिया को अपने कन्वर्ट करते हैं बिजनेस प्रॉफिट प्रोसेस में, कुछ एसेट के थ्रू, प्रॉफिट मार्जिन के थ्रू, स्टॉक के थ्रू, कैपिटल के थ्रू, ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं, प्रमोशन। आइडिया को, आइडिया आपके दिमाग में आया है, आप उसको क्या करेंगे, उसको सामने रखेंगे, उसका ढांचा बनाएंगे, उसको पूरी तरीके से प्रिपरेशन उसकी करेंगे, तब उसको हम क्या कहते हैं, तब उसको कहते हैं प्रमोशन, ठीक है। नॉर्मल चीज में देखिए, एक तो ये प्रमोशन हो गया, दूसरा प्रमोशन उसके बारे में लोगों को बताना कि भाई हमने ये बिजनेस खोला है, आपको अगर ऐसा सामान चाहिए होगा तो एक बार हमसे लीजिएगा, ठीक है। अगल बगल और लोगों को बताएंगे, लोग आपके प्रोडक्ट लेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो और लोगों से बताएंगे, तो ये भी एक प्रमोशन हो रहा है। हमारी मार्केट एरिया क्या है भाई, देखिए हमारे मार्केट का दायरा पहले इतना रहेगा, प्रमोशन करेंगे और लोग जुड़ेंगे, फिर और लोग जुड़ेंगे, तो ऐसे क्या है, हमारी मार्केट का दायरा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। और ये हो किससे रहा है, ये हो रहा है प्रमोशन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। प्रमोशन क्या है, प्रमोशन किसी भी,
किसी भी बिजनेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आइए अब प्रमोशन होता कैसे है, कौन करता है। ठीक है, अब कौन करता है भाई प्रमोशन, प्रमोटर करता है, प्रमोटर। ठीक है, ये एक क्या कहते हैं इंप्लॉई ही होता है कंपनी का जो ये काम करता है, किस चीज का, प्रमोशन करने का। ठीक है, आइए सबसे सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, द पर्सन हु प्रमोट। ठीक है, क्या लिखा हमने, द पर्सन हु प्रमोट। ठीक है, या तो इसको हटा देते हैं, द पर्सन हु परफॉर्म, हु परफॉर्म्स द प्रम द पर्सन। ठीक है, हु परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रमोशन इज नोन एज प्रमोटर। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई प्रमोटर कौन होता है, तो आप क्या कह देंगे, वो व्यक्ति जो प्रमोशन का काम करता है, प्रमोशन कंपनी का करने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको और सिंपल वर्ड में लिखना है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो किसी भी आइडिया को, ठीक है, एकत्रित करके, कई प्रकार के आइडिया होंगे या एक ही आइडिया में कई प्रकार होता है, हमने 5 टाइप का क्वेश्चन बताया था अभी आपको, वो सबको एकत्रित करके उसको एक साथ जोड़ के एग्जिस्टेंस में ले आता है, वास्तविकता में ले आता है, वो प्रमोटर होता है। ठीक है, प्रमोटर की भी 2 पार्ट, एक वो व्यक्ति जो सब आइडिया को जोड़ के एग्जिस्टेंस में लाता है बिजनेस को, वो प्रमोटर, दूसरा वो व्यक्ति जो उस बिजनेस को प्रमोट करता है, लोगों को बताएगा, बातें बताएगा कि ये भाई नई कंपनी खुली है, नया ऑफिस खुला है, यहाँ ये काम होता है, और आप लोग को अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई काम चाहिए, कोई भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रमोटर भी 2 तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है मेरे ख्याल से, और देखते हैं अब इसके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रमोटर के पास क्या क्या होना चाहिए, ये क्या करता है, पहला चीज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इसके पास होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और इसके पास क्या होना चाहिए, कंपनी फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन मतलब होता है कंपनी को बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्लस इसके पास इंपॉर्टेंट आइडियाज भी होने चाहिए। आइडिया क्यों होना चाहिए भाई, उसी आइडिया को हमें वास्तविकता में लाना है, तो अगर आइडिया वास्तविकता में नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ होगा। ठीक है, अगर उसको आइडिया नहीं पता है प्रमोटर को, मान लीजिए आपने सोचा कि हमें ये काम करना है, दोस्त की मदद लेंगे, आपने अपने दोस्त को कुछ काम बता दिए कि भाई तुमको ये करना है, तो अपने दोस्त को आपको वो एक्चुअल आइडिया बताना पड़ेगा कि आपको बिजनेस कैसा करना है, कहाँ करना है, कब से करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेगा ना भाई आपका दोस्त। चलिए सिंपल सा बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज हो गई, सिंपल सा करते हैं, मान लीजिए आपके भाई बर्थडे पार्टी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूनिक ऑनलाइन गुरु है,
यहाँ पे हमारे डायरेक्टर की बर्थडे पार्टी है, ठीक है। अब डायरेक्टर सर की बर्थडे पार्टी है तो उसको कैसे करना है, तो अब डायरेक्टर सर को नहीं बताएंगे। अब सबके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कैसे करनी है, जितने लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबको एक पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए कि किस चीज की पार्टी, सबसे पहली चीज किस चीज की पार्टी है ये भी पता होना चाहिए। पता नहीं है, कह दिया आज पार्टी है तो हैप्पी बर्थडे की जगह हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी का केक लेके चले आए, उस पर लिखा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अगर डायरेक्टर अलग से गुस्सा जाए कि भाई हम तो सिंगल हैं, आप मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, आइडिया एक्सचेंज करने में फेलियर हुआ, ठीक। ये अभी छोटा कॉन्सेप्ट है, इसलिए बड़े कॉन्सेप्ट में भी यही दिक्कत हो गया। अगर एक्सचेंज ऑफ आइडिया सही नहीं होगा तो आपको जो चीज फीडबैक चाहिए वो नहीं मिलेगी, ठीक है, जो फीडबैक चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसीलिए आइडिया क्लियर होना चाहिए प्रमोटर के पास, वो आइडिया सही से पहुंचना चाहिए और उस आइडिया के रिक्वायर में जो जो चीजें चाहिए वो सब होना चाहिए प्रमोटर के पास, ठीक है। अगर आप खुद भी प्रमोटर हैं, आप खुद ही हैं, सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी इसमें नहीं है, तो आपके भी माइंड में आइडिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप घर से जाएं कहें कि भाई हम कोचिंग खोलना चाहते हैं और आधे रास्ते में जाते जाते आप कपड़े की दुकान खोल लें, तो ये तो कोई बात नहीं होती है ना, ठीक है, ये कोई बात नहीं होती। क्यों, आइडिया क्लियर होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। जब उसी के अकॉर्डिंग काम होगा तो काम आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब प्रमोटर और क्या करेगा, अब मान लीजिए कंपनी बन गई, ढांचा बन गया, कंपनी खड़ी हो गई, अब सिर्फ कंपनी खड़ी हो जाने से ही ना काम करने लगेगी, अब वैकेंसी चाहिए, सबसे पहले वहां पे एक डायरेक्टर बनना होगा, ठीक है, डायरेक्टर क्या होंगे, आपके ओनर भी हो सकता है, खुद डायरेक्टर भी बन सकता है या ओनर किसी को सैलरी पर रख ले। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत भाई ये सुने होंगे वर्ल्ड सैलरी, ठीक है, ठीक है, सैलरी क्या कहते हैं, वेतन कहते हैं, ठीक है, या वो खुद ना डायरेक्टर बन के क्या करेगा, किसी डायरेक्टर को रख लेगा, उसे सैलरी देगा, उसे पैसे देगा, काम वो पूरा करेगा। ओनर क्या करेगा, ओनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे अपना रहेगा, बाकी पूरा मैनेजमेंट डायरेक्टर देखेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कराते समय डायरेक्टर का होना जरूरी है, डायरेक्टर की भी डिटेल लगेगी। तो ये प्रमोटर का काम है कि जो भी डायरेक्टर हो उसकी डिटेल वहां पे वो लगाए, ठीक है। तो प्रमोटर के कुछ फंक्शन हम लोग ने देख लिए हैं, ठीक है, प्रमोटर के कुछ फंक्शन हमने देखे हैं और कुछ चीजें देखते हैं प्रमोटर की, आइए अब देखिए प्रमोटर कैसे होते हैं। ओकेजनल प्रमोटर ज्यादा होते हैं, ओकेजनल प्रमोटर, ओकेजनल प्रमोटर कौन होते हैं भाई, ओकेजनल प्रमोटर आपके वो होते हैं जिन्हें मेन काम उनका प्रमोशन नहीं होता है, पर वो ओकेजनली किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रमोट कर देते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रमोटर बन जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ओकेजनल प्रमोटर, ठीक है। अब प्रमोटर आपके कई लोग हो सकते हैं, अब कुछ चीज मैं यहां लिखूंगा उसको ध्यान से देखिएगा, प्रमोटर आपके इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल मतलब हम आप, ठीक है, प्रमोटर आपकी कोई कंपनी भी हो सकती है, प्रमोटर आपके ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, या यहां पे एक्सेट्रा कर देते हैं, एक्सेट्रा का मतलब ऑल दोज पर्सन, ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दोज इंटरप्राइजेस हु आर डूइंग द वर्क ऑफ प्रमोटर इज नोन एज प्रमोट, ठीक है, जो भी प्रमोटर का काम करेंगे, प्रमोशन करने का काम करेंगे, उनको हम प्रमोटर कहेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, ऑल दोज पर्सन, वो सभी व्यक्ति, वो सभी इंटरप्राइज, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोशन करने का काम करेंगे वो प्रमोटर होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स इन प्रमोशन,
प्रमोशन करने में क्या क्या स्टेप होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, पहला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ ही दिन में आपको पहले चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।